नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और कंपाउंड स्ट्रेसेस की। अब तक अपन ने एनालिटिकल मेथड से ये अपने कंपाउंड स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्मूले ड्राइव किए थे। आज हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड की स्टडी करेंगे, जिसे मोहर सर्किल्स मेथड भी कहते हैं। तो इससे पहले अपने एक प्रॉब्लम लेते हैं, जो अपने सिंपल प्लेन स्ट्रेस सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं और एक सिंपल शियर उसके साथ में लगी हुई है और उसके इंक्लाइंड प्लेन थीटा पर, इंक्लाइंड प्लेन पर अपने उसके नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है। वो इस बार एनालिटिकल मेथड से नहीं करके अपने करेंगे ग्राफिकल मेथड या मोहर सर्किल मेथड से। तो मोहर सर्किल मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपने कुछ साइन कन्वेंशन हैं, वो अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं उनमें जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा उसको अपने पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होगा उसको नेगेटिव लेंगे। और थीटा जो है, थीटा पॉजिटिव होगा कब, जब वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। तो यहां हमने थीटा और डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए, और क्यू को पॉजिटिव लेंगे कब, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाइज रोटेशन देने की टेंडेंसी में रहता है, या उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी में रहता है। और इन सब को लेते हैं, उसके बाद में अपने एक एप्रोप्रिएट स्केल लेते हैं। एप्रोप्रिएट स्केल का मतलब है कि किसी भी ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट या ग्राफ पेपर पे अपने इस प्रॉब्लम को शिफ्ट करेंगे। वो प्रॉब्लम कैसे शिफ्ट होगी कि सबसे पहले अपने स्केल लेते हैं, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे भी यूनिट अपने को प्रोवाइड है उसके अकॉर्डिंग अपने एप्रोप्रिएट स्केल ले लेते हैं। उसके बाद में अपने इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने ओरिजिन ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड में अपने पॉजिटिव डायरेक्ट स्ट्रेसेस को मार्क करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्ट स्ट्रेसेस हमेशा ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस पे मार्क होते हैं और नेगेटिव डायरेक्ट स्ट्रेसेस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में मार्क होते हैं। और जो शियर स्ट्रेस है वो एक्स एक्सिस पे वर्टिकल डायरेक्शन में मार्क होते हैं। जो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होगा वो एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो नेगेटिव होगा वो एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब अपने ये प्रॉब्लम लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में P1 है, यहां अपने मान के चलते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम्स में गिवन होता है कि P2 लेस देन P1। तो सबसे पहले अपन ने P1 का जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग स्केल से अपन ने यहां पे एक मार्क कर लिया पॉइंट। ये आपका पॉइंट हो गया P1। ऐसे ही अपन ने
पी टू यहां पे मार्क कर लिया, ये पी टू मार्क कर लिया, ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। आप अपने क्यू को लेते हैं, इस केस में क्यू पॉजिटिव है तो क्यू को ए पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो ये जितना क्यू है उतना यहां पे मार्क कर लेते हैं और अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर है वो बी पॉइंट पे नेगेटिव डायरेक्शन में मार्क कर देते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया ई और ये एफ। अब ई और एफ पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और ये सेंटर आपके पास में आ गया सी। अब सी एफ या सी ई रेडियस लेके आप एक सर्किल ड्रॉ कर दें, ये आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये जो सर्किल है ये आपका स्ट्रेस सर्किल है, इसको स्ट्रेस सर्किल भी बोलते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेन एसी, एसी पर आपको ये जो लाइन है आपकी ई एफ, ये आपका प्लेन एबी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो है ये सरफेस एबी को रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस एबी आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें जो सरफेस एबी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको मार्क करना है थीटा, तो टू थीटा डिग्री इससे मेजर करके आप वो प्लेन मार्क कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल इसमें डबल मार्क करना है आपको, तो ये आपने टू थीटा मार्क कर दिया, और इसका ये जो एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं बीटा है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका है डी पॉइंट। डी पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी पॉइंट सरफेस एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होंगे वो आपके ओरिजिन से और डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी पी आर रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपने, जो जी पॉइंट पे यहां कट करता है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है अपना पी एल और पी टी, इस प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस और परपेंडिकुलर स्ट्रेस पीएन होंगे और टेंजेंशियल स्ट्रेस होंगे पीटी, तो यहां इस स्ट्रेस सर्किल में ये जो डी
और जी है, ये है पीटी, और ये जो ओ जी है, ओ जी है, ये है पी एन, और ओ डी है, ओ डी है, ये है पी आर। ये तो हो गया। अब अपने इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो अपना एनालिटिकल मेथड है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहां सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस सर्किल का सेंटर क्या है, सेंटर सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ सी। तो इस सर्किल की रेडियस क्या है, इसकी रेडियस क्या है, ये सी ई, ये मान लेते हैं आर। सर्कल की रेडियस है आर, तो आर इक्वल्स टू सी ई और ए ई, सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। यहां सी ई क्या है, सी ए, सी ए, सी ए का स्क्वायर और करंट बराबर आधार का स्क्वायर बटे प्लस लंब का स्क्वायर, ये है। तो इसका जो सेंटर है ये सी ए क्या है, सी ए इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू बाई टू, सी ए है ओ ए माइनस ओ बी बाई टू, और ए है पी वन और ओ बी है बी टू बाई टू। ये आपके पास ये आ गया। और ए ई क्या है, ए ई इक्वल टू क्यू, तो आपके रेडियस क्या होगी, सर्किल की रेडियस P1 माइनस P2 बाई टू का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर अंडर रूट। तो आपकी जो सर्किल है उसकी रेडियस की वैल्यू क्या आई, R इक्वल्स टू अंडर रूट P1 माइनस P2 बाई टू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर एक, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि पी एन, पी एन इक्वल्स टू क्या है, पी एन इक्वल्स टू है ओ जी, ओ जी। पी एन इक्वल्स टू है ओ जी इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी जी, ओ सी प्लस सी जी। ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू है ओ ए माइनस सी ए, ओ ए माइनस सी ए प्लस
सीजी की वैल्यू है इस ट्रायंगल में देखेंगे अपने, ये एंगल कितना है 2θ - β, ठीक है, ये है सी और ये है जी और ये डी, ये तो है r cos 2θ - β और ये है साइन थीटा और ये r cos 2θ - β, ठीक है। तो अब यहां पे ये वैल्यू पुट करते हैं, OA क्या है, OA की वैल्यू है P1 - CA की वैल्यू है P1 - P2 / 2 + CG की वैल्यू r cos 2θ - β। तो यहां अपने पास में क्या आया, इससे तो क्या आया PN = P1 - P/2 और ये +P/2, तो P1 + P2/2 पहली टर्म। दूसरी टर्म है r cos 2θ - β, इस टर्म को खोलेंगे अपने तो P1 + P2 / 2 + r cos β cos 2θ + r sin β sin 2θ। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ये रेडियस है तो CA = r cos β और इस बराबर AE = r sin β = q और इसके बराबर क्या है CA = P1 - P2/2। तो ये वैल्यू अपने इसमें पुट करेंगे तो r cos β की वैल्यू क्या है +P1 - P2/2 cos 2θ + r sin β की वैल्यू क्या है q sin 2θ और ये हो गया P1 + P2/2। ये चीज आ गई अपने पास में, Pn का ये फॉर्मूला है जो अपन ने यहां बनाया है P1 + P2/2 + P1 - P2/2 cos 2θ + q sin 2θ। ये चीज अपन यहां आ गई। अब अपने देखते हैं कि इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या कितने हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो है dg, ये PT = dg PT = dg = r sin 2θ - β, ठीक है। अब इसको खोलेंगे अपने, इसको खोलेंगे
तो अपने पास में पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीटी इक्वल्स टू आर साइन टू थीटा माइनस बीटा, तो आर साइन टू थीटा कोस बीटा माइनस आर आर कोस टू थीटा साइन बीटा। अब आर कोस थीटा और आर कोस बीटा की वैल्यू अपने पास में क्या थी, आर कोस बीटा की वैल्यू अपने पास में क्या थी, अपने पास में थी पी वन माइनस पी टू बाई टू। तो ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू बाई टू साइन टू थीटा माइनस आर साइन बीटा की वैल्यू क्या थी, क्यू क्यू कोस टू थीटा माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस पी वन माइनस पी टू बाई टू साइन टू थीटा प्लस क्यू साइन टू थीटा, ये आ गया अपने पास में पी टी। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास में पी टी की वैल्यू है, और ये किस चीज को शो कर रही है अपने, कि ये जो अपने डायरेक्शन मानी है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव साइन इसमें आया है। तो ये अपने पास में पीएन और पीटी की वैल्यू आ गई। अब अपने देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू। तो सबसे पहला केस क्या है, जब अपना पीएन मैक्सिमम हो, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, इस पॉइंट पे एच पे, डी पॉइंट आपका यहां पे एच पॉइंट पे आ जाए, तो पीएन मैक्स, पीएन मैक्स इक्वल टू सिग्मा वन इक्वल टू ओ एच ओ एच। तो ये क्या होगी, ये होगी ओ एच, तो ओ सी प्लस आर इसकी रेडियस सी एच सी एच, और ओ सी क्या है, ओ सी है अपन ने अभी निकाला है, और सी एच क्या है आर, सी एच है आर, आर की वैल्यू अपने पास में क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट पी वन माइनस पी टू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अपना सिग्मा वन की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वन इक्वल टू पी वन प्लस पी टू बाई टू प्लस अंडर रूट पी वन माइनस पी टू बाई टू का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वही वैल्यू है जो अपन ने पहले एनालिटिकल मेथड से निकाली थी। इसी प्रकार माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू वो होगी ये के ओ के ओ के, जब ये डी पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा टू इक्वल्स टू सिग्मा टू इक्वल टू ओ सी माइनस आर, तो ये हो जाएगा पी वन प्लस पी टू बाई टू माइनस पी वन माइनस पी टू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये चीज आ गई अपने पास में, यही अपन ने एनालिटिकल मेथड से निकाली थी, और यहां पे इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करके लिखे, तो अपने सिग्मा वन
और सिग्मा टू तो प्लस माइनस का ये साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब बात करते हैं मैक्सिमम शियर की, मैक्सिमम शियर की। अब ये जो है इसका प्लेन कहां पे होगा, मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का प्लेन कहां पे होगा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां पे, थीटा पी इक्वल्स टू बीटा, जब ये डी पॉइंट एच पे आ जाएगा और ये टू थीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये बीटा। तो इससे टेन टू थीटा पी इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा क्या होगा, क्यू अपॉन पी वन माइनस पी टू बाई टू बराबर टू क्यू अपॉन पी वन माइनस पी टू। तो ये इसकी प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन हो गई जो यहां पे एच पे आई है। अब अपने देखते हैं मैक्सिमम शियर वाले प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन। तो मैक्सिमम शियर कहां पे आएगी, जो इसका एक्सट्रीम वर्टिकल पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट और डाउनवर्ड में ये पॉइंट पी, ये टी पॉइंट है और ये टी डैश पॉइंट है। तो मैक्सिमम शियर कितना होगा, पी टी मैक्स ओ टी सी टी, ये सी टी और ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो पी टी मैक्स इक्वल्स टू पी वन माइनस P2 by 2 का होल स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर, ठीक है। यही अपने एनालिटिकल मेथड में आया था। अब R बराबर क्या होगा, इस सर्किल की रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने पास में ये डिस्टेंस है सिग्मा 1 और ये है सिग्मा 2, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ओ एच माइनस ओ के, तो ये हो जाएगी ओ एच माइनस ओ के बाई टू बराबर सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। ये चीज भी अपन ने डिराइव की थी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, रेडियस के बराबर है और इसकी वैल्यू अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के रूप में देखें तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा बाई टू होती है। अब अपने देखते हैं इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन कहां पे है कि जो मैक्सिमम या प्रिंसिपल प्लेन है उससे टू थीटा पे, तो ये 45 पे हो जाएगा। तो थीटा एस इक्वल्स टू थीटा पी प्लस 45 डिग्री, ये भी अपन ने डेराइव किया था। तो ये है अपना ग्राफिकल मेथड, स्ट्रेस सिस्टम को सोल्व करने का ग्राफिकल मेथड। तो इसको अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो स्ट्रेस सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो है आर और इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर, आर इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू बाई टू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है वो इसके एक्स एक्सिस पे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे एच और के, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस ओ एच है, ये है
मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ओ के है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सीटी जो मैक्सिमम वैल्यू है सीटी डैश और सीटी ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और इन प्लेन की जो लोकेशन है वो है मैक्सिमम शियर प्लेन और ये जो लोकेशन है इस प्लेन की बीटा ये है प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। तो हम जो सिंपल स्ट्रेस सिस्टम है उसको एनालिटिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जिसके लिए अपने पास भी ये फॉर्मूले हैं और उसको अपने ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जिसके लिए मोर सर्किल मेथड है। थैंक यू।